नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन गोजरे, आप देख रहे हैं टेक टॉक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने आपको और ज्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक स्टाइलिश फेस चाहते हैं तो आपके पास एक स्टाइलिश ट्रिमर होना भी बहुत जरूरी है, और स्टाइलिश ट्रिमर के ज्यादा अगर वो ट्रिमर सस्ता भी हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस सिस्का के ट्रिमर के बारे में, जिसकी कीमत है लगभग 1000 रुपए। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ये ट्रिमर उतना ज्यादा अच्छा है जितने कि फिलिप्स के ट्रिमर आपको देखने को मिलते हैं। इससे पहले मैं फिलिप्स का ट्रिमर जो है वो यूज कर रहा था और वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ट्रिमर था, लेकिन जो उस ट्रिमर की कीमत थी वो थी तकरीबन 2500 रुपए। तो आज हम इस 1000 वाले ट्रिमर को कंपेयर करेंगे उस 2500 वाले ट्रिमर के साथ और देखेंगे कि क्या इस ट्रिमर में वो बात है जो फिलिप्स के उस ट्रिमर में आपको देखने को मिलती है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो पर शुरू करते हैं। तो गाइस फिलहाल तो यहाँ पे बहुत सारा मैस हुआ पड़ा है, तो सबसे पहले तो हमें इस मैस को क्लीन करना है और फिर उसके बाद हम अपनी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइस मैस तो यहाँ पे हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है साफ, और अरे हमारा बॉक्स कहाँ है। तो चलिए अब हम अपने बॉक्स को भी लेके आते हैं यहाँ पे। तो ये दोस्तों हमारा बॉक्स भी जो है अब यहाँ पे आ चुका है, और अब जस्ट हमें करनी है इसकी अनबॉक्सिंग और देखना है कि क्या मिलता है हमें इसके अंदर। तो चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो गाइस अगर मैं बात करूँ बॉक्स की, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिस्का की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और अल्ट्रा ग्रूमिंग बियर्ड ट्रिमर देखने को मिलता है, और जो इसका मॉडल नंबर है वो है दोस्तों HT3050। और दोस्तों ये आपको रैपिड चार्ज के साथ देखने को मिलता है, यानी कि आप 1 घंटे के अंदर इस फोन को कर सकते हैं पूरी तरह से चार्ज। और इसमें आपको USB चार्जिंग देखने को मिलती है, तो आप जो आपकी नॉर्मल फोन की जो डाटा केबल होती है उससे भी आप USB से इसको चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आता है 1 ईयर की एडिशनल वारंटी के साथ, यानी कि ये ट्रिमर आपको मिलता है 2 ईयर्स की वारंटी के साथ। और अगर बात करें इसके साइड की, तो यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स जो है मेंशन किए हुए हैं। तो इसका जो फर्स्ट फीचर है वो है कि ये 50 मिनट्स तक जो है काम करता है, और इसके जो ब्लेड्स हैं वो 1mm के हैं, और 10 लेंथ सेटिंग भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत के LED इंडिकेटर मिलता है आपको बैटरी का, और यहाँ पे पीछे भी कुछ इसी के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए हम बिना देरी के अब इसको जो है अनबॉक्स कर लेते हैं और निकालते हैं अपने ट्रिमर को बाहर। तो गाइस यहाँ पे हमने निकाल लिए अपने सारे कंटेंट्स। जो ये सबसे पहले आपको एक 1 ईयर की वारंटी का कार्ड मिलता है, जो कि एडिशनल वारंटी है, वो नीचे गिर गया था यहाँ पे, तो ये वही कार्ड है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ और, आपको ये पेपर वर्क मिल जाता है, और यहाँ पे इसके साथ इसका ब्रश मिलता है जिसके साथ आप इसको क्लीन कर सकते हैं इसके ब्लेड्स को। और यहाँ पे आपको एक जो है केमिकल भी मिलता है इसके ब्लेड्स को क्लीन करने के लिए। और यहाँ पे हमें ये इसकी चार्जिंग कॉर्ड मिलती है, जो कि एक USB केबल है। आप इसको मोबाइल का चार्जर जो होता है उसमें कनेक्ट कीजिए, और इस तरफ से आप इसको ट्रिमर में कनेक्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज अ वायर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और बिना वायर के भी इस ट्रिमर को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब निकाल लेते हैं इस बॉक्स से अपने ट्रिमर को बाहर। तो ये है दोस्तों हमारा ट्रिमर। अगर मैं बात करूँ इसकी लुक्स की, तो काफ़ी अच्छी लुक्स हैं यार इसकी, मतलब काफ़ी अच्छे से इसकी ब्रांडिंग वगैरह की हुई है सिस्का ने। अगर हम इसकी लुक्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है। और अगर हम इसको ऑन करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इसकी नॉइज़, अगर यहाँ मैं आपको सुनाऊँ तो ये कुछ इसकी नॉइज़, और यहाँ पे इसकी बैटरी का इंडिकेटर, और ये ऑन का इंडिकेटर है, और यहीं से आप इसको प्रेस करके ऑफ भी कर सकते हैं। और ये जो है आप इसकी सेटिंग्स जो हैं चेंज कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ से आप इसको प्रेस कीजिए और जस्ट अप कीजिए तो ये
अप हो जाएगा, और अगर आप इसको निकालना है तो आई गेस जी हाँ, इसको कुछ इस तरह से आपको ओपन करके आप इस फॉर्म को बाहर निकाल सकते हैं, और देन आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। जैसे आप इसको अगर मान लीजिए आप नॉर्मल कटिंग करनी हो तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर गाइज आपको इसके ब्लेड को जो है वो बाहर निकालना है तो यहाँ पे आपको एक बटन दिया गया है, आप इसको प्रेस कीजिए और इस तरफ से आगे वाली तरफ से जो है इसको आप पुश कीजिए तो ये जो है हमारा बाहर निकल जाएगा। इसके जो ऊपर के ब्लेड्स हैं तो इसकी भी आप अंदर से जो है क्लीनिंग कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा निकालने में टफ ज़रूर होता है, और उसके बाद आप इसको इसी तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपको लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट रख के यहाँ पे प्रेस करना है। तो चलिए अब मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह की ये ट्रिमिंग करता है। तो गैस नीचे की तरफ जो है वो मैंने कटिंग कंप्लीट की, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ से वॉश किया, और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के रिजल्ट्स। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के यहाँ पे मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं इसके ट्रिमिंग करने के बाद, और मुझे ये रिजल्ट्स जो है मैं कहूँगा कि अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने फिलिप्स का ट्रिमर जो है वो काफ़ी समय तक यूज़ किया, और उसके बाद भी मुझे इसकी स्मूथनेस जो है अच्छी लगी काफ़ी, क्योंकि मैंने सिस्का का पहले भी एक ट्रिमर यूज़ किया है और उसकी जो मुझे है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। वो 600-700 रुपये का एक ट्रिमर है, तो उसकी जो ट्रिमिंग है वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, थोड़े ब्लेड्स उसके हार्श थे स्किन के लिए। तो चलिए अब थोड़ा और ट्रिमिंग करते हैं और देखते हैं कैसे रहेंगे रिजल्ट्स। तो यहाँ पे गाइस ट्रिमिंग तो हो रही है मेरी कंप्लीट, और अगर मैं बात करूँ इस ट्रिमर की परफॉर्मेंस की तो आप देखेंगे जो मैंने क्लीन किया है यहाँ से तो वो टोटली क्लीन हुआ है, और अगर मैं नीचे से भी बात करूँ तो जो मैंने शेप दी थी ब्लेड के साथ वो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आया उसका। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉम की, तो इसके ऊपर जब आप कॉम को अप्लाई करते हो, कॉम को लगाते हो, तो आपका जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इतनी स्मूथ नहीं रहती है। काफ़ी ज़्यादा जो कॉम है वो मुझे स्मूथ लगा, और उसी स्मूथनेस की वजह से जो है हेयर्स अच्छे से उसमें पकड़ में नहीं आते हैं और वो स्लिप होता रहता है, और आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ट्रिमिंग करने में। हालांकि यहाँ पे मेरी ट्रिमिंग कंप्लीट हो गई और मुझे जो अनइवन हेयर्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर मुझे अच्छे से क्लीन हो गए हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बात नोटिस में लाना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ से हेयर्स को क्लीन कर रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी यहाँ के हेयर्स को क्लीन करने में। और अगर मैं बात करूँ इसके सिंपल ब्लेड की गाइस, तो सिंपल ब्लेड की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है, लेकिन अगर हम इसको कॉम के साथ यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो बिगड़ जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की तो काफ़ी अच्छी रही, मुझे बढ़िया लगा ये ट्रिमर, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये ट्रिमर आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ में मिलता है और काफ़ी अच्छे फंक्शंस आपको इस ट्रिमर में मिलते हैं जो कोई अदर ट्रिमर आपको प्रोवाइड नहीं करवाता है। तो अगर मैं बात करूँ इसके मार्क्स की तो मैं इसको देना चाहूँगा 7.5 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो अच्छा ट्रिमर है यार, अगर आप इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन लुक फॉर अनदर ट्रिमर। इनका एक ट्रिमर है जो 1800 की कीमत के अंदर आता है, मैं जल्दी ही उसका भी रिव्यू आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तो ये ट्रिमर अगर मैं बताऊँ इसकी प्राइसिंग की, तो ये ट्रिमर मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से और मुझे ये ट्रिमर पड़ा है 999 का। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी एक्चुअल प्राइसिंग की तो वो कुछ अराउंड आपको 1300 पड़ जाती है, लेकिन
ये ट्रिमर जो है वो फ्लिपकार्ट पे काफी ज्यादा जो है सेल में रहता है, जिसकी वजह से आपको ये 1000 रुपीज का पड़ जाता है। तो काफी ठीक ठाक सा ट्रिमर लगा, खैर काफी अच्छा तो नहीं कहूंगा, ठीक ठाक ट्रिमर है अंडर 1000 रुपीज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।